लेकिन चेचक के दाग नहीं, ये बल्कि दरवाजे पर गोलियों के निशान आपको लगेंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस समय सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि हमें देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आप चलिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन इस समय चल रहा है और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से आप चलिए। दीवारों और दरवाजों पर ये निशान गोलियों के हैं और ये गोलियां आतंकियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट करके बरसाई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में पिछले चार दिनों में करीब तीन दफा आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। बीते सोमवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के चार जवानों के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया था। इस आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों के लिए डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में एक स्कूल में अस्थायी कैंप बनाया गया था जहां सेना के जवान रुके थे। इस बीच रात करीब 2 बजे आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकियों के इस हमले का जवाब जवानों ने भी जोरदार ढंग से दिया, हालांकि इस दौरान 2 जवान घायल भी हुए हैं। मैं जडान हाई स्कूल कश्तीगढ़ के उस और कमरे में हूँ जहाँ पे आतंकवादी मौत का खेल खेलना चाहते थे। आप देख सकते हैं कि ये जो निशान, जो गोलियों के निशान दीवार पर लगे हुए हैं, पूरी तरीके से आपने देखो गोलियों ने इस दीवार को छलनी कर दिया। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हिस्सा उस दीवार का जहाँ पे गोलियां ना लगी हों। आतंकवादी जो कि 4 के करीब थे, वो देर रात 2:10 पर यहाँ आते हैं, 2:30 के करीब फायरिंग करते हैं। और यहाँ पे हमारी फौज दिन भर जो ऑपरेशन करके थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया था उन्होंने, जैसे ही वो यहाँ पे बैठे थे आतंकवादी आके फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। और उनकी उसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड भी दागा जिसके स्प्लिंटर के निशान भी दिख सकते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा है इस कमरे का, आप इसको देख सकते हैं पूरी तरह से, ऐसे लगता है कि जैसे चेचक के दाग हों, लेकिन चेचक के दाग नहीं, ये बल्कि दरवाजे पर गोलियों के निशान आपको लगेंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहां पे इस समय सिचुएशन यहां पे ऐसी है कि हमें देखिए यहां से कहा जा रहा है कि आप चलिए, क्योंकि यहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन इस समय चल रहा है और हमें कहा जा रहा है कि यहां से आप चलिए। और यहां पे हालात बड़ी, सिचुएशन बड़ी नाजुक बनी हुई है, यहां पे मुश्किल हालात है। और हम समझते हैं अपने सुरक्षा बलों के लिए भी कि उनको भी कितनी मुश्किल है यहां पे, किस तरीके का यहां पे एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये काफी देर तक रिटेलिएटरी एक्शन होता रहा हमारी फौज की तरफ से। उसके बाद आतंकवादी जो है करीब के जंगल में भाग गए, उसके बाद यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बताया जाता है ये आतंकवादी जो है 1.5 महीना पहले यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे। इनमें से ज़्यादातर जो है पश्तो स्पीकिंग है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के हैं। और देखा गया कि पिछले 4 दिनों में 3 एनकाउंटर हुए हैं। पहला देसा में हुआ जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान, जिसमें एक कप्तान भी शामिल था आर्मी का, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद हमने देखा गढ़े इलाके में और अब यहाँ पे कश्तीगढ़ इलाके में यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह से रिपल्स कर दिया है और उसके बाद से अब ये सर्च अभियान जारी। बता दें कि पिछले 1 से 1.5 महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है, खासकर जम्मू रीजन में पिछले कुछ समय में आतंकियों ने कई हमले किए हैं। दरअसल धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी शांति आ गई थी, कश्मीर की तुलना में जम्मू काफी शांत रहा है। हालांकि अब आतंकी जम्मू में लगातार हमले कर रहे हैं और ये आतंकी हमले पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी संगठन कर रहे हैं। इस दौरान आतंकियों को कुछ स्थानीय लोगों से भी मदद मिल रही है। आतंकियों के ये मददगार उन्हें सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी के साथ साथ आतंकियों के छिपने में भी मदद करते हैं। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है, एम्यूनिशन कहाँ से आ रहा है, उनको शेल्टर कौन दे रहा है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है। ये सब पैराशूट से नहीं उतरते और पेड़ पे रहते हैं, ये सब के सब का सपोर्टर है और सपोर्टर्स हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेज वगैरह अलग अलग कमांड में है, इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। दरअसल जम्मू में हुए आतंकी हमले पीर पंजाल की पहाड़ियों में स्थित राजौरी पुंछ रियासी बेल्ट में हुए हैं। ये बेल्ट जम्मू को कश्मीर से अलग करती है। इन इलाकों में अगर आतंकी हमला होता है तो अतिरिक्त फोर्स की मूवमेंट में थोड़ी मुश्किल होगी,
इसके साथ ही पीर पंजाल घाटी में आने वाले राजौरी और पुंछ जिले पीओके के साथ साथ एलओसी से भी सटे हुए हैं। ये सभी आतंकी पीओके से आते हैं और कई बार हमला करके भाग भी जाते हैं। आ कहां से रहे हैं? पीओके से। पीओके में 6-7 जगहें हैं, वो हमारी लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, हर एक के रेंज के अंदर में है। आप उन जगहों को निस्तनबूत करिए और उनको ऑक्यूपाई कर दीजिए। एक बार आपने पीओके में कई जगह 3-4 जगहों को कब्जा करके रख लिया तो अपना सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो मर्जी किया, आप फिर देखेंगे उनके पांव उखड़ेंगे ही नहीं, वो आना बंद कर देंगे। और यहाँ फिर आप स्लीपर सेल्स को और जो सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, ये स्लीपर सेल हम बहुत यूज़ करते हैं, जिनकी सपोर्टिंग यूनिट्स हैं वो अपने आप ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, हमारे को ये आपके ये अभियान चलते रहेंगे। ये बैक टू बैक तीसरा या चौथा हो रहा है, उसके पहले हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये होते जा रहे हैं। तो आपको इसको करने के लिए यही तरीका है। और सारी दुनिया जानती है कि भारत जो कदम उठा रहा है, सारी दुनिया हमको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और सब लोग ग्रसित है, यहां तक कि पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी, उनको भी पता चल गया, वो भी अब इससे खौफ खाते हैं, टेररिस्ट उनको भी तंग कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आर्मी की चाल है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहती है। वहीं अस्थाई हमले में रुके सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोगों में भी दहशत है। आप उस समय कहाँ थे जब ये फायरिंग हुई? सर, असल में ये रात के 2 बजे हमने फायर सुना, तो हम इधरी गांव में रहते हैं, तो रात के 2 बजे मतलब 15 साल के बाद वो आवाज़ सुनाई दी हमें, तो थोड़ा गांव में अपने घर में थोड़ा डर का माहौल पैदा हुआ और रात भर, तो फिर उसके बाद हम सोए नहीं जब आवाज़ सुनी गई। कितनी देर तक ये फायरिंग चलती रही? कोई 1-2 घंटा फायरिंग चलती रही। तो उस वक्त क्या लग रहा था आपको? तो डर, काफ़ी डर लगा, क्योंकि अमन और शांति के माहौल में हम रहते थे, आज तक तो अमन सुकून में रहते थे, अचानक अगर कोई हम पराई आवाज़ सुने तो फिर डर ही लगता है। कोई लग रहा था कि आपको कि हो सकता अंदर भी आ जाए? अब इतने करीब फायर था। हाँ, गाँव के उसी साथ में इस साइड में हम गाँव में रहते हैं हम, तो अगली साइड फायरिंग। बच्चों को क्या किया उस समय? बच्चे तो डर गए ना, बच्चों को तो डर लगा। मतलब ऐसा हुआ कि आप जमीन पर लेटे उस टाइम कुछ? हाँ, हम तो अंदर ही दरवाज़ा बंद करके तो लेटी गए अंदर, बाहर निकलने की बिल्कुल हमने सोची नहीं। अच्छा, कि हम इतने डर गए हम सारे, क्योंकि 15 साल पहले कभी सुना था हमने ये ना, तब हम थोड़े छोटे छोटे थे तो ये आवाज़ें सुनते थे हम, फायरिंग वायरिंग, तो आज 15 साल के बाद जब हम पहली बार सुना तो फिर थोड़ा डर लगा। ये क्या सुन रहे हैं आजकल, यहाँ मूवमेंट हो रही है लगातार, जो लोग क्या कहते हैं? सर, अब हमारे इलाके तो ये बड़े सेफ थे, भाईचारा बढ़िया है हमारा इधर, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या मसला? लेकिन एक तब से ये कल की फायरिंग के बाद अब घबराहट है शाम को निकलने में? हाँ, कुछ अब तो घबराहट हो रही है। हाँ, अब सुबह चलने में घबराहट हो रही है, मतलब अकेले चलने में, कहीं इधर उधर चलने में, कोई पता नहीं क्या होगा कैसे। तो जैसे आप खुले आम घूमा करते थे आराम से, जानती से घूमा करते थे, सैर सपाटे भी जाते थे, बिना मतलब टेंशन के चला करते थे हर जगह, लेकिन थोड़ी सी ये अचानक रात को जो ये फायरिंग हुई उस वजह से हमें डर पैदा हो गया है। एक पल के लिए लग रहा था कि फायर अंदर आ सकता है, ये इतनी करीब से आवाजें आ रही थी आपको? हाँ, पूरे गाँव के ऊपर से गोलियां चल रही थी, बड़ी डर का माहौल बन गया था। उसके बाद जब ये फायरिंग रुक गई तो आपने क्या किया, बाहर गए आप उसके बाद या अंदर ही? जब पूरा सूरज ऊपर आसमान पे निकल आया तो फिर बाहर निकले हम, उससे पहले तो बाहर निकलने का तो सोचा नहीं हमने। बता दें कि सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों की हर साजिश को विफल करने के लिए बहादुर जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।